तो आप सभी का प्रेम सागर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कट्ठा भाषा व्याकरण के एक नए टॉपिक जिसका नाम है लिंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने लिंग बचपन से ही बचपन के क्लास में भी पढ़ा होगा। कट्ठा में भी उसी तरह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। मैंने इस चैप्टर को ज़्यादा लंबे तरीके से नहीं बताया क्योंकि जो हमें एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है मैंने उसी को ज़्यादा बताया है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। कट्ठा में हम जब भी लिंग परिवर्तन करते हैं तो उसमें चार नियम के द्वारा हम करते हैं, जिसमें सबसे पहला नियम है शब्द के अंत में वाइन लगा के। जैसे शब्द के अंत में अगर वाइन हम यूज़ करते हैं, जिसको हम प्रत्यय भी बोलते हैं, जैसे किसी शब्द के अंत में अगर कोई चीज़ हम ऐड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो कट्ठा शब्द के अंत में वाइन प्रत्यय लगा के हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे महत्व है, ये क्या है, पुल्लिंग है, इसे हम स्त्रीलिंग में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वाइन लगा देंगे अंत में वाइन प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, महत्व वाइन। उसी तरह साधु, तो साधु का अगर पुल्लिंग है साधु, स्त्रीलिंग में इसको बदलना है तो क्या करेंगे, वाइन लगा देंगे अंत में प्रत्यय, तो क्या होगा, साधु वाइन। दूसरा जो नियम है वो है न और इन प्रत्यय लगा के। जैसे यहाँ पे देखिए तेली है पुल्लिंग, इसको स्त्रीलिंग में बदलना है तो क्या लगाएंगे, न प्रत्यय, तेलीन हो जाएगा। धोबी है तो धोबीन हो जाएगा। बावरी तो बावरीन। कोयरी तो कोयरीन। साथी साथीन। बढ़ी बढ़ीन। कुम्हार कुम्हारी या फिर कुम्हाइन। देखिए एग्ज़ाम में भी आप देखेंगे ऑप्शन में दोनों हो सकता है, कुम्हारिन भी या कुम्हाइन भी, तो आपको जो भी ऑप्शन मिले उसे आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद तीसरा जो नियम है वो ई प्रत्यय लगा के। तो ई प्रत्यय का प्रयोग करके हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे बड़का तो क्या है, बड़की। उसके बाद मोटरा मोटरी। ये है मोटरा जो है ये पुल्लिंग है, मैंने ये पूरा लाइन में पुल्लिंग को लिखा है, इधर में स्त्रीलिंग को लिखा है। बाभन बाभन क्या है, हमारा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बाभनी। देखिए यहाँ पे ई बाभनी, नी में क्या होता है, ई प्रत्यय आता है, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे नी का तो बाभनी। जेठा जेठी। इसके बाद जो चौथा नियम है वो है क्या, आइन प्रत्यय लगा के। तो आइन प्रत्यय लगाएंगे तो हम इसमें भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे सेठ है तो क्या होगा, सेठाइन। साव सावाइन। देखिए यहाँ पे साहू है, साव या साहू, तो क्या हो जाएगा, साहुआइन। बेदिया बेदियाइन। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, इसमें आजा है तो आजी। कुकुर कुकरी। बाड़ा बाड़ी। पाठा पाठी। ये देखिए पाठा का जो होता है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, पाठी या फिर पठियर, दोनों बोला जाता है पाठी को, ठीक है, पाठी भी या पठियर भी। चलिए हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है, जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। तो मैंने इस लाइन में जो है ये मैंने क्या लिखा, पुल्लिंग के बारे में, और इधर जो है वो स्त्रीलिंग मैंने लिखा है, ठीक है। देखिए बाबू, तो यहाँ पर क्या हो गया, नूनी। बाबू जो है पुल्लिंग है और नूनी। बाबू का हम कभी कहीं कहीं आप सुनते होंगे, यहाँ पे नूनू भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, बाबू या नूनू दोनों में से कोई, ये क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नूनी। लेरू है तो ये क्या हो जाएगा, फेटाइन। काड़ा है तो ये क्या होगा, भैंस। हरवाहा, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा अगर आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ हरवाहा, हरवाहा बोलते हैं, जो हर जोतता है, किसान जो खेत में हल चलाता है उसे हरवाहा बोलते हैं। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोलिए, फिर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, रोपनी, जो धान रोपती है। उसके बाद क्या है, टांगा, तो टांगा क्या हो जाएगा, टेंगला। डेग डेगची। सूप का क्या होगा, सूपली। गाइट गठरी। रांडा रांडी। बरद का क्या होगा, गाय। रईस का क्या हो जाएगा, रईस की। ये देखिए यहाँ पे गट गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कोयरी है, कोयरी जो जाती होता है एक, तो कोयरी का क्या हो जाएगा, कोयरीन।
साड़ू तो क्या होगा साड़वाइन। उसके बाद देखिए टूरा है तो टूरा का क्या होगा स्त्रीलिंग टूरी। गोड़ाइत का क्या होगा स्त्रीलिंग गोड़ाई। तीन राजपूत का क्या होगा राजपूतनी। टूरका क्या होगा टूरकी। पहान का पहनाई। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है कि ये सारा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि स्त्रीलिंग रूप बताएं या पुल्लिंग रूप बताएं। तो यहाँ पर देखिए छगरी क्या है स्त्रीलिंग रूप है। गुइया क्या है यह भी स्त्रीलिंग है। ये चियारी ये क्या है नपुंसक लिंग है। ये नपुंसक लिंग है ये ठीक है। उसके बाद काड़ा क्या है पुल्लिंग है। नूनू क्या है यह भी पुल्लिंग है। नूनू का मैंने बताया था एक क्या होता है एक बाबू। और इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा नूनी। मैंने लिखा बताया भी आगे पीछे बताया भी मैंने इसके बारे में। उसके बाद ढोकू ढोकू क्या होगा ये पुल्लिंग है। रेजा रेजा क्या है स्त्रीलिंग। तो ये जो मैंने बताया दोस्तों ये सारा जो है एग्ज़ाम में काफ़ी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जितना भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताया उसे आप अच्छे से कर लीजिए ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल पाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।